नमस्कार, मुंबई रिपोर्ट साथे हूँ छु शिवानी। सौथी पहला बात महत्वना समाचारनी, तो महाराष्ट्र कांग्रेस में एक पछी एक राजीनामा पड़वानो दौर चाली रह्यो छे। पहला उर्मिरा मातोड़करे अने पछी कृपाशंकर सिंहे कांग्रेस ने अलविदा करी दीधुं। कांग्रेस हजी आ आघात माथी बहार नथी आव्युं त्यां कांग्रेस माथी राजीनामो आपनारा वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पाटिले भाजपनो खेस धारण करी लीधो छे। महाराष्ट्रना मुख्यप्रधान देवेंद्र फडणवीसे तेमने खेस पहेरावी विधिवत रीते भाजपमां प्रवेश कराव्यो। आ तबक्के भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित भाजपना दिग्गज नेताओ पण हाजर रह्या। भाजपमां प्रवेश करवा अंगे तेमणे मीडियाने जणाव्युं के वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना 100 दिवसना विकास कार्यथी प्रभावित थई तेमणे भाजपमां प्रवेश कर्यो छे। તેમણે આશા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે જેવા વ્યવહારનો સામનો તેમણે કોંગ્રેસમાં કરવો પડ્યો છે તેવો ભાજપમાં નહીં કરવો પડે। ત્યારે મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસમાં ત્યારે ઉથલપાથલનો દોર યથાવત। આજે પણ કોંગ્રેસને ઝટકા પર ઝટકા મળ્યા, કારણ કે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા હર્ષવર્ધને કેસરિયા કર્યા, જેના કારણે કોંગ્રેસને વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા જ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે। તો આ પહેલા ઉર્મિલા માતોડકરે પણ આંતરિક નારાજગી અને આંતરિક વિખવાદ કોંગ્રેસમાં હોવાના આક્ષેપ સાથે રાજીનામું આપ્યું હતું અને આજે પણ એ દોર યથાવત। मैंने आज मेरे जितने भी कार्यकर्ता है उनको सबको साथ लेके मैंने भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा, ये सब नेतृत्व पर मैंने विश्वास व्यक्त करके आज मैं भाजपा में मैंने प्रवेश किया है। और मैं किसी भी कोई भी उसमें कंडीशन डाली नहीं है, सिर्फ मेरे इलाके के जो प्रश्न है, जो विधायक काम जो है, इसके बारे में सरकार ने हमको मदद करनी चाहिए, इतना मैंने तय किया।